सो गाइस यहां पे वन प्लस का टू डिवाइस में न्यू न्यू अपडेट जो है आया है। एक है वन प्लस 10 प्रो एंड दूसरा है वन प्लस 12। अगर आपके पास है सो आपको न्यू अपडेट जो है आपके फोन पे देखने को मिलेगा। ये कौन सा अपडेट है, क्या क्या चेंजेस रहने वाला है, ऑल डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक जरूर वॉच करें। यहां पे जो फर्स्ट अपडेट है वो यहां पे देख लेते हैं, वो है ऑक्सीजन ओएस 14 डिवाइस है वन प्लस 10 प्रो। वन प्लस 10 प्रो पे आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो सिस्टम्स को लेके, गेम्स को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, ये सब में आपको काफी सारे चेंजेस जो है देखने को मिलेगा। यानी गेम्स का अगर बात करें, फोन यहाँ पे अगर गेम प्ले कर रहे हैं तो पहले से ज्यादा स्मूथली गेम प्ले कर सकते हैं। काफी यहाँ पे गेमिंग का जो प्रोसेस है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है। ओके, एंड दूसरा है कि अगर आपके फोन के डिस्प्ले पे गेम प्ले करने के वक्त ब्लैक ब्लैक करके आ जाता था जो कि आपको डिस्टर्ब हो जाता था, उस चीज को यहाँ पे खत्म किया है, सॉर्ट आउट किया है। एंड कम्युनिकेशन को लेकर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कॉल कर रहा था तो अगर आपके वन प्लस 10 प्रो डिवाइस में वाइब्रेट नहीं हो रहा था, वाइब्रेट का जो इश्यूज देखने को मिल रहा था, उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था उस चीज को खत्म किया है। एंड अगर न्यू चीज का बात करेगी, क्या आपके फोन पे न्यू जो है सिस्टम में आपको यहाँ पे बदलाव हुआ देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट है फोन का जो स्क्रीन पे आप जो है पैटर्न लॉक लगाते हैं, तो आप विदाउट डिस्प्ले पे लाइट लाके आप जो है स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हैं। सीधे फिंगर क्रॉस करोगे उस तरह से वो अनलॉक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उस चीज को भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है काफी ज्यादा। एंड फोन का स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस, उस चीज को भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। पहले से ज्यादा अब आपका फोन जो है परफॉर्मेंस करने लगेगा। एंड यहाँ पे जो इश्यूज देखने को मिल रहा था बटन को लेके एंड कैलेंडर को लेके, ये सब पूरा चीज को सॉर्ट आउट किया है। सो गाइस आपके पास वन प्लस 10 प्रो है और ये अपडेट मिला है या नहीं ऑक्सीजन ओएस 14 वर्जन, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये अभी जो अपडेट आ रहा है ये आया है आउट ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया पे पहले ही आया था, मैं आपको वीडियो भी दिया था। ओके, जिन लोगों को नहीं मिला है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मैं आपको अच्छे से एक और तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आपको अपने फोन पे न्यू अपडेट को इंस्टॉल करना है। एंड सेकंड जो अपडेट है वो है ऑक्सीजन ओएस 14 डिवाइस है वन प्लस 12। अगर आपके पास वन प्लस 12 है उसमें आपको न्यू अपडेट जो है देखने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे भी काफी ज्यादा चेंजेस आपको अपने वन प्लस डिवाइस में देखने को मिलेगा अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे चेंजेस का बात करें, टच कंट्रोल को लेके काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। दूसरा है एनिमेशन अपग्रेड को लेके, यानी जो है एनिमेशन टाइप अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे गेम्स को लेके, गेम का प्रोसेसर आपका प्रोसेस जो बहुत ही खराब देखने को मिल रहा था पहले अगर, सो उस चीज को यहाँ पे सही किया है और भी अच्छे खासे यहाँ पे। एंड दूसरा है सिस्टम को लेके, सो यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट है जो होम स्क्रीन पे जो एप्स इंस्टॉल किया हुआ है आपके फोन पे, वहां पे आप जैसे ही टच करोगे बहुत ही फास्ट जो है वो वर्क करेगा। ओके, पहले अगर हल्का सा आपको स्लो देखने को मिलता था, उस चीज से ज्यादा यहाँ पे यहाँ पे स्पीड जो है देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन का कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं, टच करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन जो है आप ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, वहां पे भी आपको जो है बहुत ही फास्ट जो है काम करेगा। है कि अगर एक से दो तीन एप्लीकेशन अगर सडनली आप ओपन करोगे बहुत ही फास्ट, तो सब में आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक में एनिमेशन आ रहा है दूसरा जो है बंद है, सब में आपको एनिमेशन अच्छे खासा यहाँ पे स्पीड पे देखने को मिल रहा है अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो। एंड दूसरा है कि आप जो है यहाँ पे होम स्क्रीन पे कोई भी एनिमेशन टाइप से आप जो है कोई भी एप्स जो है ड्रॉप एंड ड्रैग करना चाहते हैं, यानी दूसरा पेज से दूसरा पेज भी लाना चाहते हैं, उसमें भी आपको एनिमेशन जो है देखने को मिलेगा। सो जितना सारे आपके फोन पे एप्लीकेशन है, जो भी आप एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे एंड क्लोज करोगे, इस्तेमाल करोगे, उसमें आपको एनिमेशन टाइप का देखने को मिलेगा। एंड होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर जो रहता है उसमें भी आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, इसके ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो दिया था वो अगर नहीं देखें तो जरूर देख लेना कि एनिमेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा है कि आप जो है यहाँ पे फोन को, यानी जो है कोई भी एनिमेशन के साथ साथ क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप जो है डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो वहां पे एनिमेशन शो अप नहीं हो रहा है, या फिर उस एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसमें आपको एनिमेशन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस अपडेट में एनिमेशन देखने को मिलेगा। एंड होम स्क्रीन पे वेडगेट का फीचर्स भी आपको देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पे आप जो है वेडगेट के फीचर्स से आप जो है काफी सारे सेटिंग जो रहता है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। एंड आप जो है होम स्क्रीन पे जो है यहाँ पे क्लॉक जो रहता है वो आप ऐड कर सकते हैं, डबल क्लॉक। गेम को लेके यहाँ पे बात करें, गेम का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट किया है और गेम प्ले करने के वक्त स्क्रीन में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है।
नेक्स्ट है कि अगर आप जो है फोन को अनलॉक करते हैं तो डिस्प्ले पे लाइट लाने का कोई जरूरत नहीं, बिना डिस्प्ले पे लाइट लाके आप सिर्फ जो है फिंगर उस तरह से क्रॉस करोगे जिस तरह से आप फिंगरप्रिंट लगाए थे, पैटर्न लगाए थे, वो अनलॉक हो जाएगा। सो इसी तरह से आपको काफी सारे सेटिंग जो है, काफी सारे फीचर जो है आपको देखने को मिलेगा। फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। सो गाइस, अगर आपके पास वन प्लस 12 है तो आपको इस अपडेट को इंस्टॉल जरूर कर लेना है। ये अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए फोन का जो अबाउट वाला सेटिंग है, अबाउट पे आना है, सेटिंग से जाने के बाद अबाउट पे आना है, वहां से आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल कर लेना है। सो आपके पास वन प्लस का कौन सा डिवाइस है, कौन सा अपडेट अभी आप यूज कर रहे हैं, कौन सा अपडेट अभी आपको नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है वो आप शेयर करो, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।